100% गारंटी के साथ कड़वाहट से पाक करेले बच्चे और बड़े सब शौक से खाएंगे। करेले गोश्त की रेसिपी आपके लिए हाजिर है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। मैं आज आप लोगों के लिए करेले गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और गर्मियों में हर किसी को पसंद आते हैं, और इसके साथ लस्सी हो, कच्ची लस्सी, और ये खाने में और ही मज़ेदार बनते हैं। करेले गोश्त की रेसिपी हर किसी को पसंद आती है, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा नया चैनल है, इस वजह से आप मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़। करते हैं करेले, ये देखें इनको छिलके उतारना है इस तरह, ये इस तरह भी आप लोगों की मर्ज़ी है, इस तरह भी आप छिलके उतार सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पसंद ज़्यादा छिलके उतारना तो वो इस तरह कर लें, अगर ज़्यादा पसंद है छिलके उतारना तो फिर ये सारा मैं छिलके सारे छिल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह की कटिंग कर ली है सारी। अब इसको नमक लगा कर आधे घंटे के लिए रखूँगी, टाइम ना होगा आधे घंटे के लिए रख देते हैं। ये दो चम्मच भर के मैंने लगा दिया इनको, ज़्यादा हो करेले तो ज़्यादा लगा दें, आधे घंटे के लिए रखूँगी इनको इस तरह। अगर ज़्यादा टाइम हो तो फिर दो घंटों के लिए आप लोग रख सकते हैं। इसको इस तरह मल मल कर वाश करना है 4 से 5 दफ़ा, इसका पानी ड्रेन करके इसको किसी कपड़े के साथ निचोड़ लेंगे हम लोग। एक साफ हम ले लें आप लोग, और इस तरह थोड़े थोड़े करेले डालकर इसको निचोड़ेंगे इस तरह घुमाकर। ये देखें ये पानी निकल जाएगा इसके अंदर से, सारा पानी ड्राई हो जाएगा जब इस तरह चंगेर में डाल लें। इनको माल से निचोड़ कर चंगेर में डालें, डालकर फिर इसको धूप में रख दें अगर आप लोगों के पास टाइम है। अगर नहीं टाइम है तो फिर इसको ऐसे ही फ्राई कर लें। इस तरह टाइम फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर थोड़े ड्राई हो जाएंगे तो फ्राई होने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरह थोड़े थोड़े करेले डालकर आप लोग फ्राई कर लें सारे, सारे सही हो जाते हैं। मैं आपको दिखा दूँगी दूसरी साइड पे कोरमे के लिए हम लोग मसाला तैयार कर रहे हैं। मसाले के लिए हम लोगों ने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और 4 टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के, और थोड़ा सा लहसुन डालकर इसको गला लिया प्रेशर में। 3 पाव चिकन ले लिया मैंने कोरमे में डालने के लिए करेलों वाले कोरमे में। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मिर्चें डाली हैं, और हल्दी 1/2 टीस्पून। इसको ऐसे ही गोश्त डालकर मैं भून लूँगी। 1 ये वाला चमचा डालकर मैंने गोश्त भून लेना है चिकन। अगर हम लोगों ने चिकन का भूनना है तो ऐसे ही भून जाना है, अगर हम लोगों ने बकरे का या बीफ का लेना है तो वो पहले प्रेशर लगाएंगे फिर उसको भून लेंगे, बाद में चिकन को ऐसे ही भून लेंगे। 1 किलो तकरीबन प्याज ये छिलके उतार के 3 पाव रह गए हैं। देखिए आप लोगों को पता है करेलों में प्याज कितना ज़्यादा जाता है, प्याज और टमाटर जाते हैं। करेले फ्राई करने के बाद जो ऑयल हमारे पास बचा था उसी में हम लोग ये सारे प्याज डाल देंगे। साथ ही टमाटर डालेंगे, और ये देखिए इनको हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, इन्हीं में ये करेले फ्राई करने के बाद अकड़ गए थे तो ऐसे ही हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये साथ ही हम लोगों ने करेलों को भी ऐड कर दिया। सारी चीज़ें हम हिला लेंगे ये टमाटर और प्याजों के साथ, वो भी ये नरम हो जाएंगे। ये हमने करेलों को टमाटर और प्याज में मिक्स कर दिया है, ये टमाटर और प्याज के पानी के साथ ये सॉफ्ट हो जाएंगे करेले भी, और इसको हम थोड़ी देर के लिए हल्दी आँच पर ढक कर रख देंगे। फिर 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम ढक कर रख देंगे दम वाली आग पर, फिर इसको बाद में चेक करेंगे ये सॉफ्ट हो चुके होंगे। ज़्यादा ही दम वाली आँच ना हो, बस दम वाली आँच से थोड़ी सी ज़्यादा हो आँच। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा कोरमा कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। अब करेलों का मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये टमाटर प्याज और करेले का मिक्सचर हम लोगों ने तैयार कर लिया है 15 मिनट दम पे रख के। अब चिकन कोरमे में इसको ऐड करके 5 मिनट दम लगाएंगे तो हमारे बहुत ही मज़ेदार
गोश्त करेले तैयार हैं। अब इसको गार्निश करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है और खाने में भी ये इतने ही मज़ेदार हैं। आप यकीन करें ये बिल्कुल कड़वाहट से पाक करेले तैयार हुए हैं। इसको आप मेरे सेम तरीके से बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई करेले कड़वे नहीं बनते। छोटे बड़े सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे मज़े से। 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप लोगों के करेले कड़वे नहीं बनेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।